कि हमारी सरकार महागठबंधन की सरकार आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो बनी है, हमारा कमिटमेंट है, कोई वादा नहीं है, ये हम लोगों का प्रण है कि हम लोगों ने जो कमिटमेंट किया कि आने वाले समय में 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी हम देने का काम करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके फिर से एक नई वीडियो में। आप सब लोग शुरुआत ही में देख लिए होंगे बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी जी ने 10 लाख नौकरियों को देने के लिए कुछ बयान सामने आया है, तो इसी के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। क्या नई और अपडेट आई है, कौन कौन से विभाग में 10 लाख नौकरी आएगी, सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। इसको लेकर आर्टिकल भी जारी किया गया है, तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बिहार के युवा को लेकर एक नया अपडेट निकल कर है, उनको रोजगार जो बहुत जल्द मिलने वाला है, जो कि बिहार के उप मुख्यमंत्री जो है तेजस्वी यादव जी ने ये बात कही है। चलिए इसके लेकर क्या और जानकारी दिया गया है, सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताते हैं, तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। दोस्तों आप देख सकते हैं आपके डिस्प्ले पेपर कटिंग देख लिया, जो कि उसी में आर्टिकल बताया, देख सकते हेडिंग में लिखा है शिक्षा विभाग में आएगी 3 लाख नौकरियां, बोले तेजस्वी जो उप मुख्यमंत्री है बिहार के तेजस्वी यादव जी ने, उन्होंने बताया। चलिए अब इसका पूरा डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे तो सारी जानकारी मिल जाएगी। बताया गया है 3 दिवसीय देव सूर्य महोत्सव का आगाज शनिवार को हुआ, इसका उद्घाटन में उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव एवं प्रभारी मंत्री आलोक कुमार मेहता ने समेत अन्य ने संयुक्त रूप से किया था। उप मुख्यमंत्री ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भगवान सूर्य की महिमा अपरंपार है, औरंगाबाद पर विशेष ध्यान में है। भगवान सूर्य की बहुत मानता हुए साक्षात देव है, कुछ लोगों को जो भाई भाई को लड़वाते हैं, अपने वर्तमान को देखिए, नफरत के नफरत से नहीं प्यार से मिटाया जा सकता है, एक दूसरे का सहयोग करना होगा। कुछ लोग अब हिंदू मुस्लिम की बात छोड़कर रोजगार की बात कर रहे हैं, ने प्रण किया था कि लाखों लोगों को रोजगार दिया गया है, लगभग 3 लाख नौकरी शिक्षा विभाग में आने वाली है और 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी मिलेगी, 1-2 महीने में प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। प्रभारी मंत्री आलोक मेहता ने कहा कि देव के राजकीय मेला की घोषणा तो हो चुकी है, इसी कारण 31 लाख रुपये का बजट मिला है, लेकिन राजकीय महोत्सव का दर्जा नहीं मिल रहा है, इसीलिए बिहार के सरकार प्रयास करे कि आने वाले समय में यह महोत्सव राजकीय महोत्सव होगा। देव महोत्सव के मशहूर पार्श्व गायक अभिजीत भट्टाचार्य ने अपनी मखमली आवाज में सभा को बांधा, पूजा चटर्जी भी प्रस्तुत थी। ठीक है, अब देखते हैं कब तक इसको लेकर नया नोटिफिकेशन जारी होता है। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए, आपकी क्या राय है आप जरूर अपना कमेंटमेंट दीजिएगा, और इसको लेकर जो कोई सा भी अपडेट आएगा, कोई सा भी न्यूज़पेपर कटिंग आएगा, कोई सा भी नोटिफिकेशन आएगा विभाग में, हम आपको सबसे पहले वीडियो बनाने का जानकारी दे देंगे। ठीक है, तो 2 पेपर कटिंग हमारे पास है, जो कि आप देख सकते हैं डिस्प्ले पर, दोनों पेपर कटिंग हम टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया, आप वहां से ज्वाइन करके ले लीजिएगा और देखते हैं कब तक ये नौकरी आती है। जैसे इसको लेकर कोई सा भी नोटिफिकेशन आएगा हम आपको वीडियो बनाकर जानकारी देंगे। आप जरूर अपना कमेंटमेंट दीजिएगा कि आपका क्या राय है, कब तक ये भर्ती आ जाएगी, सारी जानकारी इस वीडियो में समझ लिए, तो चलिए वीडियो करते हैं समाप्त। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब।